दैट इज दी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो स्टडी किया था कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू कैसे निकालना है। अब हम अपने सेकंड यूनिट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन को रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन के केस में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर टू है जी आपके पास, मोलैरिटी। मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत जगह इस्तेमाल होना है। ये है जी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, और कॉन्सेप्ट भी सिंपल सा है कि एक डेसीमीटर क्यूब अगर मेरे पास सॉल्यूशन का हो तो मेरे पास उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो से हैं वो सॉल्यूट के कितने होंगे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ या अगर मुझे कोई कहता है कि भाई मुझे एक मोलर सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी क्या हो, वन हो, एक मोलर सॉल्यूशन मुझे बना के दो, किसका? ग्लूकोज का। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्लूकोज का एक मोल लूँगा, वन मोल ऑफ ग्लूकोज। अब एक मोल ग्लूकोज का मैं कैसे ले सकता हूँ, उसका वेट कितना होगा? वो ग्लूकोज का मुझे उसके लिए केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज होती है C6H12NO6। कार्बन इज 12 और 6 कार्बन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। हाइड्रोजन इज 1, 12 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12 से, और ऑक्सीजन है 16 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। इन सब को जब मैं जमा करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 180। मोल की डेफिनेशन अगर आप फर्स्ट चैप्टर से रिकॉल करें तो मोल की डेफिनेशन ये थी कि जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दो तो वो क्या बन जाता है? एक मोल उसका, वन मोल ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर होगा? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के। तो अब मेरे पास क्या आ गया? एक मोल आ गया। मुझे क्या करना था, मोलैरिटी की डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो एक मोलर सॉल्यूशन मुझे तैयार करना था, तो मुझे एक मोल ग्लूकोज का चाहिए था जो कि मैंने 180 ग्राम की शक्ल में ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक जो है वो मोलर सॉल्यूशन बनाना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक मेजरिंग फ्लास्क लूँगा, मेजरिंग फ्लास्क आपके पास डिफरेंट तरह की हो सकती है, जिसमें बीकर भी आपके पास मेजरिंग फ्लास्क में आता है, कोनिकल फ्लास्क भी आपके पास मौजूद होती हैं आपकी लाइब्रेरी लेबॉरटरीज के अंदर। तो दीज आर दी मेजरिंग फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क। इसके ऊपर क्या है, आपके पास ग्रेटिंग हुई होती है कि इतने डीएम है, इतने डेसीमीटर क्यूब है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसी तरह आपके पास जो है वो बीकर्स भी मौजूद होते हैं, बीकर्स के अंदर आपके पास शीशे के बीकर्स और उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है कि अब हमारे पास ये यहाँ पे 50 है तो ये 100 होगा, 200 हो जाएगा। तो अब मैंने एक मेजरिंग फ्लास्क ली, एक बीकर लिया, जिसके अंदर ये मार्क जो है मुझे बता रहा है कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया है। यूनिट्स का आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, और 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि आपके पास इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हैं, और 1 लीटर का मतलब है इसके अंदर 1000 ml हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के होता है। तो ये ml और सेंटीमीटर क्यूब आर सेम, और dm एंड लीटर आर सेम, डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर। तो ये मेरे पास बीकर के ऊपर डेसीमीटर क्यूब का निशान था, और मुझे एक मोलर सॉल्यूशन तैयार करना था, किसका? ग्लूकोज का। मैंने 180 ग्राम इसके लिए उठा के इसके अंदर डाले, और अब ये 180 ग्राम मेरे पास
यहाँ पर इसकी बॉटम में मौजूद है। मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया जो कि मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, और वाटर को इतना ऐड किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब, किसका, ऑफ सोल्यूशन। उसने सोल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब का है, इसलिए मैंने वाटर इसको पहले डाल दिया और वाटर इतना ऐड किया कि ये क्या हो गया, टोटल पूरा दोनों का मिक्सचर 1 लीटर के बराबर हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 मोलर सोल्यूशन बन गया ग्लूकोज का। सिमिलरली वो मुझे कहता है जी कि अब आपने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है सुक्रोज का। अब सुक्रोज होती है हमारे पास C11H22O11। इसका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होता है सुक्रोज का, दैट इज 342। या सिमिलरली वो अगर आपको कहता है जी कि 1 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाना है H2SO4 का, तो H2SO4 का जब हम निकालते हैं तो वो 98 निकलता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी तरह अपने बीकर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब का ये मार्क है, मैं अपने 98 ग्राम जो उनसे हैं H2SO4 के डाल दूंगा, और फिर बाहर से वाटर ऐड करके इसकी लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक ले आऊँगा। तो मैं कहूँगा जी ये मेरे पास क्या है, 1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि आपके पास, अब देखें इसके अंदर कि एक केस था मेरे पास जिसके अंदर ये जो नीचे चीज़ बैठी ये थी 180 ग्राम, दूसरे केस में जब मैंने सुक्रोज का बनाया तो ये थी मेरे पास 342 ग्राम्स, जबकि ऊपर जो मार्क है 1 डेसीमीटर क्यूब का 1 लीटर का वो क्या है, सेम है। तो जब मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा तो मेरे पास वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और जब मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा तो वो वाला वाटर मेरे पास कंपैरेटिवली लेस होगा। तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो इस केस में ज़्यादा और इस केस में कम होगा। तो ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। अब हम जाते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिवाइडेड या प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर्स क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी की डेफिनेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स का अगर आप फार्मूला पहले चैप्टर से रिकॉल करें तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होते थे कि मास ऑफ द सोल्यूट जो आपने लिया और इसको डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, सोल्यूट के मोल्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते थे, मास ओवर मोलर मास, तो सोल्यूट है तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये सारी चीज़ को जब मैं वर्कआउट करूँगा तो मेरे पास निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स को उठा के मैं जब इधर डालूंगा तो मेरे पास निकल आएगी आपकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, हम कहते हैं जी 1 मोलर या 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो हम उसको 0.1 m इस तरह लिखते हैं। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी डिवेलप्स इन आवर केमिस्ट्री, के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोलैरिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसमें वो कहता है जी कैलकुलेट द मोलैरिटी, एम आपने कैपिटल फाइंड आउट करना है ऑफ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन की जिसके अंदर क्या है 20.7 ग्राम्स ऑफ K2CO3 डिजोल्व किया गया है। ये क्या है, आपको बेसिकली दे दिया गया है मास ऑफ सोल्यूट, ये दिया ना। दूसरी चीज़ वो कह रहा है जी कि डिजोल्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब का।
तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है उसकी मोलैरिटी। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। एम एम बराबर था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब हम अपनी रिक्वायर्ड, इसको मैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा हूँ, और इस वन के अंदर चीज़ें पुट करने के लिए हम अपनी तमाम चीज़ों को पैदा कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अभी नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट हमें उसने दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 20.7। हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकलेगा हमारे पास K2CO3 से, पोटेशियम कार्बोनेट। इसको जब मैं निकालता हूँ, पोटेशियम का कार्बन का 12 पुट करते हैं, ऑक्सीजन का 16, और इस सबको जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास इसका आएगा जी 138 ग्राम्स पर मोल। तो अब मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन था 20.7 डिवाइडेड बाय 138 ग्राम्स पर मोल, मेरे पास K2CO3 आ गया। ये क्या है, इसका जो आंसर होगा वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये अब वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास वॉल्यूम है जी 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे तो इस वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में, तो आई विल कन्वर्ट दी डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब। मुझे जाना है सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो सेंटीमीटर क्यूब को मुझे काटना है और डेसीमीटर क्यूब मुझे ऊपर चाहिए, तो ऊपर मैं लिखूंगा डेसीमीटर क्यूब और नीचे मैं लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब, ताकि ये इससे ऊपर नीचे कट जाए। अब एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इस सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 500 × 1 डिवाइडेड बाई 1000, और यूनिट आ गए डेसीमीटर क्यूब। तो मैं लिख दूंगा जी इसको 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब मेरे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इन दोनों को उठा के मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे पास अपना आंसर आ जाएगा एम। एम इज इक्वल टू 20.7 डिवाइडेड बाय 138, ये नंबर ऑफ मोल्स थे, होल डिवाइडेड बाय 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि जो ये डिनोमिनेटर में चीज़ होती है ये नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 20.7 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैं कहूँगा जी इसकी मोलैरिटी क्या है, 0.3 है। तो ये हमारे पास मोलैरिटी निकालने का एक एग्जाम्पल थी। सेकंड जो चीज़ है जो हमने आज स्टडी करनी है, वो बिल्कुल मोलैरिटी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है जी थर्ड है जो के इन द यूनिट्स, वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस ये फ़र्क है, वहाँ पे क्या था, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये भी फ़र्क है, यहाँ पे सॉल्वेंट है 1 kg। आपने क्या करना है, अगर आपको एक, वो कहता है जी 1 मोलल, अब ये मोलल होगा MOLAL, 1 मोलल सॉल्यूशन आप बना के दें मुझे ग्लूकोज का। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, ग्लूकोज इज C6H12O6 विच इज 180 ग्राम्स। अब वहाँ पर हमें डेसीमीटर क्यूब चाहिए था, तो हम मेयरिंग फ्लास्क जो है उसको लेते थे। अब यहाँ पे हम मेयरिंग फ्लास्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 1 किलोग्राम वो है ऐड करना। हम कोई भी बीकर लेंगे, उसके अंदर 180 ग्राम अपना सोल्यूट डाल देंगे, और फिर हम इसके अंदर 1 kg ऑफ वाटर, वाटर का 1 किलोग्राम मेयर करके उसका वेट हम इसके अंदर जब डाल देंगे, तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ
ग्लूकोस। सिर्फ ये फ़र्क है उसके और इसके अंदर कि वो हम मिक्स करके उसका 1 डेसीमीटर क्यूब कर देते थे। यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर आपने लेना है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर आपने लेने हैं और उसी तरह आपने ऐड कर देने हैं। अब टोटल वॉल्यूम, अब पूरे जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना होगा, 1000 ग्राम्स आपके थे सॉल्वेंट के, वाटर जो आपने डाला, और 180 ग्राम से आपके पास सोल्यूट के। तो अब टोटल सॉल्यूशन का वेट है 1180 ग्राम्स। सिमिलरली आपको अगर वो सुक्रोज का बनाने का कहता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने बीकर के अंदर 342 342 सुक्रोज ऐड करेंगे और बाहर से आप 1000 ग्राम्स जो है वो एड अप कर देंगे। तो ये ओवरऑल जो है आपके पास 1342 ग्राम्स का सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि क्या होगा, 1 m सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डोनेट करते थे और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से जो है वो डोनेट करेंगे। सिमिलरली इसका फॉर्मूला सेम होगा, मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब वहाँ पे हम लेते थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे हम लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगी मोलैलिटी। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 ऑफ योर बुक। दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जब बिल्ड होगा तो आप इस एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की पोजिशन में आएंगे। वो कहता है जी, वट इज़ द मोलैलिटी, एम अपने फाइंड आउट करना है ऑफ अ सोल्यूशन जिसको हमने प्रिपेयर किया है बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम्स ऑफ टॉलोइन, मास ऑफ सोल्यूट वो क्या है जी, 5 ग्राम्स, आपके पास सोल्यूट कौन सा है, टोलुइन, और टोलुइन का फॉर्मूला उसने दिया है आपको C7H8। इन 250 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है जो कि क्या है, 250 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर टोलुइन के 5 ग्राम हमने ऐड किए। तो अब आपने हमें मोलैलिटी बतानी है, तो फॉर्मूला उसका क्या था, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन सॉल्वेंट जो है डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम गिवन है, मोलर मास कहाँ से आएगा, वो इस फॉर्मूले से आएगा। तो मोलर मास का फॉर्मूला होगा C7H8 है तो 12 × 7 प्लस 1 × 8, तो ये इसका आंसर आएगा जी 92। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे N, जो कि किसके बराबर है, 5 / 92 के। ये मेरे पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब ये पहली चीज़ निकल आई। दूसरी चीज़ है ये मास ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का मास है हमारे पास 250 ग्राम और मुझे चाहिए केजी में, तो मास जो है वो मुझे होना चाहिए इन केजीज, जबकि मेरे पास है 250 ग्राम्स। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी सिंपल, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, कोई भी यूनिट हो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ग्राम है, ग्राम से आपने जाना है किलोग्राम में, आपको इस ग्राम की जगह चाहिए केजी। तो यहाँ पे आपको केजी चाहिए ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ, तो केजी लिख दिया।
और ख़त्म क्या होना चाहिए, ग्राम। ग्राम ख़त्म करना है तो ग्राम डिवाइड में आएगा ताकि उससे कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाए। सिंपल, अब इसकी यूनिट लिख दें कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट, तो आपके आंसर में आ जाएगा 25 250 × 1/1000, और साथ में आ गया ये वाला kg। तो ये मेरे पास जब डिवाइड होके आ जाएगा 0.25 kg। अब मेरे पास ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, मैं इसको उठा के इधर पुट करूँगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन जो हमारे पास आए थे वो आए थे जी 5/92 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आया था किलोग्राम में 0.25। तो ये 92 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/92 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो हम कहेंगे जी आपके पास जो स्मॉल एम है दैट इज़ इक्वल टू 0.217, आपके सोल्यूशन की मोलैलिटी इतनी है। तो दीज वर द टू कॉन्सेप्ट्स, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से मोलैरिटी एंड स्मॉल एम से मोलैलिटी। इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। बाकी तकरीबन सारा का सारा कॉन्सेप्ट जम है, और ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज में काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी हैं जो कि आपको सॉल्व करनी होंगी। तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।